नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। आगामी जिला पंचायत सदस्य नामांकन व चुनाव के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने चलाया अभियान। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की खास रिपोर्ट। कैसरबाग बस अड्डे के चारों तरफ लगने वाले जाम को लेकर पुलिस ने चलाया अतिक्रमण अभियान। रोड पर कब्जा कर अतिक्रमण फैलाने वालों के काटे गए चालान व दी गई सख्त चेतावनी। साथ ही कोविड 19 के आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के कसे गए पेज। SP कैसरबाग पंकज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कैसरबाग प्रमोद कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर वजीरगंज घनश्याम मणि त्रिपाठी, हाता चौकी प्रभारी राहुल द्विवेदी ने पुलिस टीम के साथ चलाया अभियान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने राफेल के बहाने भाजपा पर उठाए सवाल। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, राफेल सौदे पर उठाए गए सवाल। फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी FA ने भारत के लिए राफेल बनाने वाली कंपनी द सॉल्ट एविएशन के खाते के ऑडिट में पाया गया 2017 में 8.62 करोड़ रुपए बतौर गिफ्ट में भारत में एक बिचौलियों को दिए गए थे। इस मामले में निर्मला सीतारमण को इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में दे दिया गया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय। फ्रांस ने भारत के बिचौलियों को दिया, वो बिचौलिया कौन? जब भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच का समझौता है तो बीच में है ही नहीं, तो बिचौलिया है कौन? क्या भारत सरकार में है या भारत सरकार से अलग है? ये सब जांच का विषय। लेकिन दो बातें साबित हैं कि इसमें बिचौलिया की रकम दी गई। ये गुणवत्ता और सारी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भारत के कानून के मुताबिक कोई भी अगर अपराधी हो तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट करें, न्याय भी फैसला करें और जो फैसला हो तो लगे। सर क्योंकि विकासपुर में भी ऐसे आ रहा था, विकासपुर में कॉन्ट्रा कर दिया गया था। अब विकास दुबे की गाड़ी जो पड़ती थी वो संदेह के घेरे में और सुप्रीम कोर्ट तक इसमें अपील की गई है। देखिए जो फैसला आएगा किसी के गले के नीचे नहीं होता। विकास दुबे मामले में सबको क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन अब इसमें संदेह मुख्तार के भाई ने लगाया है कि कुछ भी मेरे भाई के साथ हो सकता है, आशंका उन्होंने जताई है। सुप्रीम कोर्ट उनकी पत्नी गई, उनके भाई गए, सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय करने के लिए उनकी सुरक्षा के बारे ये सब की रक्षा से भारत के वीर जवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उनकी सुरक्षा के साथ, उस पर मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि दसाल्ट कंपनी ने 8.62 करोड़ जो दिया है एक बिचौलियों को दलाली के रूप में, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट ने निर्मला सीतारमण जी ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं, तो फिर ये किस बिचौलिया को भारत। दूसरा, मोदी जी ने कहा था ये भारत और फ्रांस की सरकार के बीच समझौता है, इसमें कोई बिचौलिया और दलाल नहीं, तो ये दलाली किसको दी गई? रकम बता रहा हूं, 100 किस्तों में एक हो सकती है 8.62 करोड़। बता रहा हूं किसने किया, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी फ्रांस की। कैसे पकड़ी गई ये राशि, लिखित रूप में, ऑडिट में, और ये पाया गया कि 2017 में ये रकम फ्रांस से हिंदुस्तान आई। हमारी मांग है निर्मला सीतारमण जी त्यागपत्र दी नैतिकता के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया, वहां तो अभी रकम पूरी नहीं हुई, यहां तो रकम पूरी। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख सुपरविजन में इसकी जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए, क्योंकि भारत माता के खिलाफ, भारत राष्ट्र के खिलाफ अपराध। दूसरा सवाल जो होगा 5-0, पहली बार 5-0 का मतलब मेरा है पांचों स्टेट में भाजपा हारेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कहां कितना कौन जीतेगा,
पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि तमिलनाडु पांडिचेरी में हमारा अलायंस जीतेगा नहीं, 2/3 से 3/4 बहुमत के बीच में आएगा। जिस तरह से इंडियन पहन रही है कार में, अब बात आसान की, वहां प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, एक जगह पकड़ी गई 181 वोट पड़े और उस पूरे गांव में उस पूरे पोलिंग स्टेशन पे 80 वोट, तो 80 का 181 कैसे हुआ? दूसरा ले लेना, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर में बसीरें पकड़ी गई, और तीसरा भाजपा के नेता की गाड़ी से बसीरें जा रही है। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन को दृढ़ होना चाहिए। अब उन्होंने 48 घंटे के लिए शर्मा जी को बैन किया आसाम में, और उसको बढ़ा के 24 घंटे कर दिया, 24 घंटे बीत चुका था। तो दृढ़ता दिखती, एक सवाल किसी के समझ में नहीं आ रहा है, 80 वोट अगर हो पूरे 100% पड़ जाए तो 181 कैसे? मोदी जी हैं तो संभव सब कुछ। मेरा सर जी कहना है कि बहुत ही संवेदनशील भावनात्मक मुद्दा मेरे लिए है कि मेरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां 2 बार मैंने प्रतिनिधित्व किया, मेरी बेटी वहां पे सिटिंग MLA, मैंने पहले ही सचेत कर दिया था लिखित रूप में, यहां गड़बड़ी की संभावना हो रही है क्योंकि यहां पे पैरेलल पुलिसिंग चल रही है। मैंने व्यक्ति का नाम बता दिया था, जगह का नाम बता दिया। अगर समय रहते तब की पुलिस सचेत हुई थी तो ये कम से कम उदयपुर वाली घटना रुकी जाती। मैं तो तब संतुष्ट होऊंगा जैसा पीड़िता की पत्नी ने कहा, जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनकी पत्नी ने कहा है कि जैसे मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, बच्चों ने कहा जैसे मेरा पिता तड़प तड़प के मरा है, ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने जहरीली शराब परोसी है। आबकारी विभाग इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार। आपका सवाल ये है, SP और DM के बारे में कह सकता हूँ दोनों नए हैं, तो मैं अभी सीधा उन पर नहीं आता क्योंकि उनके कार्यकाल में अभी तो सिर्फ छापे और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो इसको अगर समग्र रूप से देखें तो लगता है कि सालों से चल रहा सालों से चल रहा। जिस तरीके से IG ने कहा था कि कुछ सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उस पर क्या कहना आपको? बिना अगर IG ने कहा है तो सफेद पोस्ट को उजागर करें, वो उतना ही अपराधी है जितना अपराधी शराब बनाने वाले शराब परोसने वाले। 14 और 15 में भी ऐसे ही केस पकड़ी गई थी, 5-6 फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी, उसके बाद से फिर पार्टी में चलते अपराधी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में लड़कियों की अस्मत, बलात्कार, जो सरकार खुद रात के अंधेरे में जलवा दे बेटी को हाथ पर, जितनी मौतें शराब से भाजपा सरकार में कभी नहीं हुई। पर एक बात जरूर कहूँ, मैं कहता था, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं कहता था कि आज छुट्टा जानवर खेतों को इसलिए चल रहे हैं कि गौशालाओं में जो चारा जाता है वो सत्तारूढ़ दलालों के पेट में चला जाता है। मेरी बात सही साबित, गौशाला में गाय दूध नहीं दे रही थी, शराब बन रही थी। ये है भाजपा की गौशाला, और गौशाला में शराब की जगह बनने वाली बदला। भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दा तो रहता नहीं, पंजाब में जो सरकार है वहां मुकदमा है, और मुकदमे में अभी ट्रायल समाप्त नहीं हुआ, तो वो उन्होंने वही किया जो एक निर्वाचित सरकार को करना चाहिए। हाँ, लाने के पीछे नियत में थोड़ा कमजोरी थी, सुप्रीम कोर्ट गए पहले जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पंजाब सरकार ने माना। लेकिन अगर दो जगह मुकदमा चल रहा है तो दोनों सरकारों को अधिकार है कि अपने यहाँ रखते हैं। कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पंजाब सरकार ने रखा, उत्तर प्रदेश नहीं आने दिया। बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से बाहर किसी और कोर्ट में जाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं जाने दिया जाता जब तक अदालत, ऐसा कुछ उन्होंने बिना मुकदमे को रोक नहीं रखा। KGMO के डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि के बाद KGMO का फैसला, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट।
सभी विभागों के डॉक्टरों में स्क्रीनिंग प्रक्रिया की जाएगी ताकि बाकी डॉक्टरों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। बीते दिनों केजीएमओ में लगभग 40 रेसिडेंट डॉक्टरों में हुई है कोरोना की पुष्टि। देखिए इस मामले में क्या कहना है डॉक्टर सुधीर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित नामांकन का दृष्टिगत विभिन्न तहसीलों में निरीक्षण। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर नितिन बंसल व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री आकाश तोमर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित हो रहे नामांकन के दृष्टिगत विभिन्न तहसीलों और ब्लॉकों का भ्रमण कर नामांकन ड्यूटी की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया एवं ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों पर मतदान कर्मियों के मतदान से संबंधित हो रहे प्रशिक्षण का भी जायजा लिया गया। दो दिन पूर्व थाना बाजार खाला क्षेत्र में फायरिंग करने वाले दो दबंगों पर कमिश्नरेट पुलिस का शिकंजा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफ पुलिस डीके ठाकुर के निर्देशन पर अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी। शहनवाज नामक युवक के घर पर दबंगों ने की थी फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैलाकर दबंग मौके से हो गए थे फरार। इंस्पेक्टर बाजार खाला धनंजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहम्मद जैर व मोहम्मद आकिल को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही पुलिस ने लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक भी किया बरामद। डीसीपी वेस्ट देवेश पांडे, एडीसीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन व एसपी बाजार खाला विजय राय सिंह के मार्गदर्शन में बाजार खाला पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।